ब्लॉग की शुरुआत अब कर रहा हूँ रात के 11:30 बजे, क्योंकि मुझे पूरे दिन में टाइम लिया था, ड्यूटी भी नहीं लगी थी। मैं लड़की को गया था मजमा छोड़ने के लिए, मजमा छोड़ के अब वापसी में जा रहा हूँ अलरस रूम पे। तो रुका हूँ एक पेट्रोल पंप पे हल्के होने के लिए, पेट्रोल पंप दिखाता हूँ तुमको। हल्का होने के लिए रुका था, सर वर एकदम घूमने लग जाता है भाई, यहाँ पे इतना ज़्यादा वो हो रहा था। ये पेट्रोल पंप यहाँ से अलरस 65 किलोमीटर दूर है, आई थिंक बहुत ज़्यादा नहीं है। खूबसूरत है, अच्छा लग रहा है, और उसकी तो हालत ख़राब हो गई भाई चलते चलते एकदम। टायरों की देख रहे हो क्या दुर्दशा हो गई है भाई इसका, देखो सही है कोई बात नहीं, ये तो नए लगवाए थे ना अपन, इसका यही पुराना है लेकिन ठीक है, फिर भी ठीक है एकदम यार। बताओ पर झंझना अभी चल के खाना खाएंगे अपन नौसाद भाई के रूम पे। नौसाद भाई से बोले हैं, कह रहे हैं चावल बना दे रहे हैं और आओ आओ तो खा ले जाओ, खाना खा चुके हैं, चावल कह दे रहे हैं मैं बना दूँ। अब मैं बोला आ जाऊँगा 12:30 बजते आ जाऊँगा, क्योंकि अभी एकदम यहाँ से एकदम आराम से धीरे धीरे चलेंगे अपन, तो मिलते हैं चल के अलरस में। गाइस मैं अलरस में आ गया हूँ, बहुत देरी का आधा घंटा हो गया, 12 बजे मैं अलरस में आ गया था, गाड़ी खड़ा उड़ा करके फिर उसके बाद से मैं अपनी छोटी वाली गाड़ी लिया और फिर गया नौसाद भाई के रूम पे। जस्ट अभी खाना खा के वापस जा रहा हूँ। ट्राइनों के आज ब्लॉग में बहुत कम बनाया हूँ और मुझे अब नींद आ रही है, बुड्ढी पता नहीं कहाँ है, उसको लेने के लिए जाना तो पड़ेगा ही 100%, कहीं ना कहीं तो होगी ज़रूर, तो देखा जाए और जो देखते हैं कि वो कहीं होगी या नहीं होगी। और बाकी यही था कि बस मैं गया मजमा, अचानक फ़ोन आया मजमा लाओ गाड़ी स्टार्ट करो, हमें लगा कि बुरायदा उरायदा जाएगी, और हमको लगा कि बुरायदा जाएगी, लेकिन फिर जब गाड़ी स्टार्ट करके बैठे तो लड़की आई, कह रही अजमल हम अगर हम ही चला के ले आएंगे, कहा कह रही कि हाँ हम बता कहाँ जाना है, कह रही है मजमा चल, कह रही है कि हाँ मैं ही जाऊँगी, हम कहा ठीक है। तो गए, 2 घंटा लगा, 7 बजे निकले थे और वहाँ पे 9:30 बजे पहुँच गए, 9:30 बजे वहाँ पे। उसके बाद वहाँ से निकले मेरा सर इतना घूम रहा अभी भी ना कि क्या बताऊँ यार। तो बस वहीं निकले धीरे धीरे अपना, फिर एक पेट्रोल पंप पे रुके थे, उसके बाद धीरे धीरे चले आए अपने रूम पे। दोस्तों ये हमारा मोहल्ला है, पता नहीं क्यों गाड़ी के इस साइड से आवाज़ आ रही है आगे से, ऐसा लग रहा है टायर की बोनट से, अरे टायर के ऊपर जो था वो, या आगे से आ रही आवाज़ लेकिन इस साइड से आ रही उल्टी साइड से। और ये हमारा मोहल्ला है दोस्तों, डोंट जज मी माई मोहल्ला। तो बस देखो 4 नंबर लगाना था, हम 5 नंबर लगाए हैं, हट भोजड़ी के 4 नंबर में रहना, और बस जा रहे। देख रहे हो आवाज़ कहाँ से आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा आवाज़, देख रहे भोजड़ी के इधर इतना खड्डा क्या ही बताऊँ, धड़ दे कर गई। बस अब आ गए अपने रूम पे दोस्तों, देखते हैं मैडम को लाना हुआ तो ठीक है, नहीं तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आज का ब्लॉग दोस्तों वही बहुत होगा, तो आई थिंक 3-4 मिनट का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, समझ रहे हो। तो चलो रूम में, उसके बाद मिलते हैं अगर कहीं जाना हुआ तो। मैं अभी कह ही रहा था कि मामा को लाना पड़ेगा, उसके लिए देखो बुलाएंगी, पता नहीं कहाँ गई थी वो जो एक ओम बंदर हैं उनके ड्राइवर के साथ, तो अभी वो लाके जस्ट छोड़ा है। सही हम उतरे हैं गाड़ी से एकदम तुरंत, मतलब उतरे हैं वो भी, गाड़ी बंद किए हैं बाहर उतरे हैं हम, आगे पीछे से खड़े हो गए, वही इतना था कि कोई आगे बताया नहीं। तो कह रही कि कब आए अजमल, हम 12 बजे आए थे, अभी नौसाद के रूम से आ रहे हैं खाना खा के। हाँ कोई बात नहीं दोस्तों, इस ब्लॉग को हम ही पैंट करते हैं, तो आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आई नो कि ये कुछ ज़्यादा नहीं है, यूँ ही हवा हवाई हो गया, तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, देखते हैं क्या है कल क्या करना। मैं ये सब साफ़ करती हूँ, नहीं तो यहाँ पे बहुत कचड़े होते थे। तो मां सलामत, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग दोस्तों, बाय बाय।